नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रही है, ये अभी लखनऊ के चार बाग में है। लखनऊ के चार बाग की मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखाता आ रहा हूं, और मैंने एक वीडियो और भी बनाई है जो जल्द ही पोस्ट करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भले ही उत्तर प्रदेश में हो, लेकिन यहाँ पर जो जमावड़ा और भीड़ उमड़ रही है ना राहुल गांधी जी के समर्थक में, कोई कह रहा है कि रोजगार के लिए हम आए हैं, कोई कह रहा है कि हम न्याय के लिए आए हैं। महिलाओं से जब मैंने बात की आप, तो उन्होंने बताया कि मैं न्याय के लिए आई हूँ। जब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों से मैंने बात की तो कह रहे हैं मैं अपनी भागीदारी के लिए आया हूँ। श्रमिकों से जब मैंने बात की तो कह रहे हैं हम अपने हक अधिकार के लिए आए हैं। राहुल गांधी जी जो पांच उनका मेन मुद्दा है, न्याय, युवाओं का भविष्य, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार जो इस देश में ज़्यादातर फैल रहा है, श्रमिकों को उनका न्याय नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी जी की आप तस्वीरें लगातार देख सकते हैं। राहुल गांधी जी और यहाँ पे एक पोस्टर जो बीच में ज़्यादा वायरल हो रहा था, 68,000 जो पोस्ट पीएचडी करके लोग बैठे हैं, टेट करके लोग बैठे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। राहुल गांधी जी बार बार युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य की बात कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों को और इन वीडियो को साफ देख रहे हैं कि इतना जमावड़ा चारों तरफ, कांग्रेस का ही झंडा, कांग्रेस का ही झंडा। और मैं बार बार आपको दिखाने की कोशिश करता रहूँगा, राहुल गांधी जी महज हमारे पीछे। आप देख सकते हैं राहुल गांधी जी को, और राहुल गांधी जी बार बार युवाओं कि जो जन सैलाब आप देख लीजिए कि कितनी सेल्फियाँ, कितने लोग एकत्रित हो गए हैं। राहुल गांधी जी पेट्रोल पंप के पास में है अभी, और फिर यहाँ से यात्रा चार बाग की तरफ निकलेगी। चार बाग के बाद में मैं आपको तस्वीरें पीछे हमारे देख सकते हैं, राहुल गांधी जी हैं ये, और राहुल गांधी जी सबसे हाथ मिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट साहब, इतनी भीड़ भाड़ थी, इतनी धक्का मुक्की थी कि यहाँ पे मैंने सोशल मीडिया के अलावा नेशनल मीडिया को नहीं देखा। राहुल गांधी जी को लोग तस्वीरें भी गिफ्ट कर रहे हैं, कोई भगवान राम की तस्वीर दे रहा है, कोई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर दे रहा है, कोई अब्दुल कलाम की तस्वीर दे रहा है। यहाँ पे इतने लोग हैं कि भीड़ देख लीजिए आप कि कितना धक्का मुक्की भी हो रहा है। लेकिन ये भीड़ जो है ना साहब, ये सब लोग अपने अधिकार के लिए आए हैं, अपने हक के लिए आए हैं। ये जानते हैं कि राहुल गांधी ही है जो हमारे हक व अधिकार को दिलवा सकता है। युवा जानता है कि अगर रोजगार की कोई बात करेगा तो राहुल गांधी ही हैं। महिलाएँ जानती हैं कि हमारी इज्जत आबरू की कोई बात करेगा तो राहुल गांधी ही हैं। किसान समाज के भी काफ़ी लोग आए थे, आप देख सकते हैं राहुल गांधी की बिल्कुल साफ तौर पर तस्वीरें बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। ये लड़का हाथ मिला रहे, किसान माइनॉरिटी के लोग हैं ना, वो जानते हैं कि अगर कोई मेरे हकों अधिकार की बात करेगा तो राहुल गांधी हैं। महिलाएं और पुरुष और श्रमिक की इस देश में बहुत अहम भागीदारी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे राहुल गांधी की तस्वीरें, राहुल गांधी श्रमिकों की बात लगातार कर रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, ओबीसी समाज के लोगों को कितना प्रताड़ित किया जाता है, कितना अपमान हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। अभी पेपर लीक की भी बात राहुल गांधी जी लगातार कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि पेपर लीक हो जाता है तो युवाओं के भविष्य पर कितना असर पड़ता है, आप सोचिएगा ज़रूर साहब। और इस तस्वीर को आप गौर से देखिएगा, और इस वीडियो को भी आप गौर से देखिएगा। इतनी भीड़ भाड़, इतना जमावड़ा हो गया था, मैं आपको एक भी क्लिप काटूंगा नहीं, पूरा दिखाऊंगा, और आपको मैं एक एक बात पूरा बकायदा बताऊंगा। आप इन तस्वीरों को साहब देख रहे हैं, कितनी भीड़ उमड़ रही है। ये चार बाग रेलवे स्टेशन के पास का नज़ारा है, आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी के समर्थक, ये चार बाग रेलवे स्टेशन है और मेट्रो स्टेशन भी है, और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे तैनात है। काफ़ी संख्या में लोग राहुल गांधी जी को देखने के लिए आए हैं, राहुल गांधी जी से हेलो हाय करने के लिए आए हैं। ये जानते हैं कि राहुल गांधी इस देश के भविष्य हैं, और 2024 में सत्ता पलटने वाली है साहब, और ये सत्ता पलट के ही रहेगी क्योंकि जनता ने मूड बना लिया है। ये पैसों देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है साहब, ये लोगों की उम्मीद है, और लोगों की उम्मीद जहां कायम होती है सरकार को वहां पे झुकना पड़ता है। तो 2024 में साहब ये राहुल गांधी आप देख सकते हैं घंटा घर के पास में पहुंच गए हैं, और यहां पे इतनी भीड़ है साहब, इतनी भीड़ है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और आप देख लीजिए कि लोग सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, मैं आपको बार बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप भीड़ भाड़ देखते रहिए, कितने लोग हैं साहब। ये घंटा घर हजरतगंज चौराहे की ये तस्वीर है साहब, आप घंटा घर भी देख सकते हैं। अब पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया भी दें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन भी करना बेहद ज़रूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, शुक्रिया।